मित्रों, आज बात करेंगे कि जागृत पुरुष, जिसको हम बुद्ध पुरुष भी कहते हैं, एनलाइटेंड मास्टर भी कहते हैं, जागृत व्यक्ति भी कहते हैं, वो कैसा होता है। आम आदमी की धारणा है कि जो एनलाइटेंड हो गया, जो जागृत हो गया, जो अवेकंड हो गया, वो बहुत ज्ञानवान हो जाता है, उसको बहुत कुछ पता लग जाता है। बहुत कुछ क्या, लोग तो यह भी सोचते हैं कि उसको सब कुछ पता लग जाता है, उसको परमात्मा का, आत्मा का, सृष्टि का, बाहर के जगत का, भीतर के जगत का सब कुछ पता लग जाता है। तो ये आम आदमी सोचते हैं कि उससे तो जो मर्जी पूछ लो वो बता सकता है, वो काबिल होता है, कैपेबल होता है, कि वो इतना ज्ञानी होता है कि वो ब्रह्म जैसा हो गया। तो कुछ लोग उसको ब्रह्म ज्ञानी भी बोलते हैं कि उनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, द एनलाइटेंड मास्टर। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो एनलाइटेंड मास्टर होता है, बुद्ध पुरुष होता है, ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि वो बौद्धिक हो गया है, इंटेलिजेंट हो गया है, विजडम उसकी बहुत हो गई है, ऐसा नहीं है। वो बुद्धि से पार चला गया, वो बुद्धि में रहा ही नहीं। बुद्धि जो है वो क्रिया है हमारे माइंड की, हमारे दिमाग की। इंटेलिजेंस जो है वो दिमाग को हम कह देते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा है। बुद्ध पुरुष जो होते हैं वो बौद्धिक नहीं होते। यही फ़र्क है कि बुद्ध पुरुष जो होते हैं वो बुद्धि के पार होते हैं, बुद्धि के पार चले गए होते हैं, बियॉन्ड माइंड वो होते हैं। तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो जाते, बड़े ही सिंपल, बड़े ही सहज, बड़े ही ऑर्डिनरी हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जैसा संत हो जाने का हम कहते हैं कि हो गया संत, हो गया मतलब सरल हो गया। बुद्ध पुरुष सरल हो जाते हैं, उनका कोई जो है किसी को चलाने का, किसी को आदेश देने का, उसका उनका कोई आग्रह नहीं रह जाता, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती कि लोग मेरे मुताबिक चलें, मेरी माने, मेरी कहते हैं कि जैसे सृष्टि में बाकी पक्षी हैं, पौधे हैं, जैसे जानवर हैं, तितलियां हैं, फूल हैं, इतने हल्के हो जाते हैं, क्योंकि जो भी उनके अंदर आता है वो एग्जिबिट कर देते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। वो तो ये भी नहीं सोचते कि किसी को ये अच्छा लगेगा तो मैं ऐसा बोलूं। जो उनका भाव होता है, जो वो अंदर से महसूस करते हैं,
फर्क है। तो बुद्ध पुरुष का ऐसा जीवन होता है, बुद्ध पुरुष जो सदा ही मौजूद होते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास, आपके रिश्ते में, आपके घर में कोई बुद्ध पुरुष हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सरल हो जाता है कि उसको ये भी कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे, मेरे पास आओ, मुझे सुनो और मुझे मानो और मुझे कुछ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बुद्ध पुरुष का मतलब होता है कि वो साधारण आदमी हो गया, अति साधारण, आपसे भी साधारण, किसी और से भी साधारण हो गया। तो ऐसा उनका जीवन होता है। तो संत का जीवन और बुद्ध पुरुष का जीवन जो है वो बहुत, इसकी जो पास पास हैं ये दोनों। बौद्धिक का जीवन जो है, बौद्धिक जो है बुद्धि में जीता है। तो जो बुद्धिक, जो बुद्ध, वो शून्य में जीता है, वो माइंड से परे की बात होती है, वो शून्य में जीता है। जो भी अंदर से उठता है उसके मुताबिक जीता है। उसको हम ताओ बोल लें, जो उसको हम हुक्म बोल लें, या जो भी उसको बोल लें, जो जो अस्तित्व उससे कराता है वही करता है। वो एक जो है वो अस्तित्व का हिस्सा नहीं रह जाता, अस्तित्व ही हो जाता है। ऐसा होता है बुद्ध पुरुषों का जीवन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।